हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आते हैं, तो आज ऐसे ही फ्रेंड्स मेरे पास एक हैंडसेट है जो कि डेड कंडीशन में है और इसको हमने डीसी से चेक किया अभी, तो इसमें लो वोटिंग ले रहा है कुछ 0.0123 इस तरह के आके वापस से जीरो हो जाता है। तो ऐसा काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर हैंडसेट जो है बूट होने तो जा रहा है लेकिन वापस से ज़ीरो हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश किया हूँ और बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अच्छे से देखिए आप और इस हैंडसेट में बहुत काम करेंगे। अभी चेक करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल इसकी मत करिए। अगर आपके पास डेड मोबाइल्स आते हैं या शॉर्टिंग वाले मोबाइल आते हैं या लो लीकेज के मोबाइल आते हैं, अगर आप फिर भी बना नहीं पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को एक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। यहाँ से आपको काफी सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अच्छे से सीखना चाहते हैं प्रोफेशनल वे में डायग्राम के साथ, सर्किट की नॉलेज के साथ, हैंड स्किल के काम के साथ, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो मैं शुरुआत से बताऊंगा आपको, अच्छे से देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। ज्वाइन करना है फोन फिक्स हैदराबाद, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच हमारा 27 दिसंबर का बुकिंग चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हैंडसेट मेरे पास है और सबसे पहले यहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरे पास चार्जिंग का जो पत्ता होता है वो भी लग के है। अब ये बैटरी भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और बैटरी लगाने के बाद देख सकते हैं इसका बैटरी मैंने लगा लिया है। और सबसे पहले यहाँ पे हम चार्जिंग का जो स्कीमेटिक पोर्ट होता है इसमें चेक करते हैं। यहाँ पे एक नंबर के साथ ये कनेक्ट है, तो यहाँ पे मैं ये लगा कर आपको बताऊँगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 0.05 mA यहाँ पे ले रहा है। तो यहाँ पे चार्जिंग का तो यहाँ पे सिंबल बता रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मोबाइल जो है अभी कुछ डिस्प्ले वगैरह नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ से बैटरी अगर निकाल दूँ तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा, विदाउट बैटरी अगर मैं यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मिली एम्पियर या एम्पियर कुछ भी यहाँ पे नहीं ले रहा है, कुछ भी करंट कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो मैं एक बार चार्जर भी यहाँ से वापस निकाल के बताना चाहूँगा। देख सकते हैं कोई डिस्प्ले पे लोगो नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा होता है कि डीसी के साथ कनेक्ट करें। हो सकता है बैटरी जो है ख़राब हो या बैटरी में इसका वोल्टेज नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे डीसी से हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एम्पियर लेता है कि नहीं लेता है। तो ये स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे आप, काफ़ी सारे हैंडसेट आप रिपेयर भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मोबाइल्स को बनाने के टेक्निक और ट्रिक्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको सबसे पहले लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने बैटरी कनेक्ट किया, कोई भी यहाँ पे एम्पियर नहीं ले रहा है। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको पावर की प्रेस करके बताना चाहूँगा, ये इसका पावर की का लास्ट वाला पत्ता है। एक बार बैटरी सही से लगा लेते, एक बार ये पत्ता निकाल देता हूँ नीचे का चार्जिंग का और सही से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करने के बाद भी कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है। तो चलिए यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं पावर की प्रेस करने के बाद 0.037 इस तरह से आके वापस ज़ीरो हो रहा है। देखिए वापस से मैं एक बार प्रेस करके बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं लो बूटिंग ले रहा है, कुछ भी यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा होता क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि पीसीबी में जब शॉर्टिंग होती है या पावर एसी प्रॉब्लम होती है या सीपीयू की प्रॉब्लम होती है, तब जाकर ऐसा लो बूटिंग लेता है, कुछ एम्पियर कंज्यूम करने की कोशिश करता है, बट हैंडसेट आपका ऑन नहीं होता है। ऐसे में आप सॉफ्टवेयर भी करेंगे तो सॉफ्टवेयर तो हो जाएगा बट आपका हैंडसेट ऑन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बार पीसीबी पूरा बताना चाहूँगा, इसका कंडीशन क्या है। तो ये देख सकते हैं सारे पत्रे यहाँ पे चार्जिंग एसी के पास लग के हैं, ये देख सकते हैं नेटवर्क के पास यहाँ पे सारा इसके शील्ड लगते हैं। और अगर पीछे बात करूँ, देखिए ये मार्क याद रख लीजिए आप, ये नंबर याद रख लीजिए, वीडियो के एंड में मैं वापस बताऊँगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पावर आईसी इसमें लग के हैं 6357 CRV, और मीडिया टेक CPU है 6762 जो कि 4G CPU है, और SK हैनिस का इसमें MMC है BGA 221। अब इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसका बैटरी कनेक्टर
चेक करते हैं जो कि बैटरी कनेक्टर इसका यहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बैटरी कनेक्टर में हम वैल्यू चेक कर लेंगे रिवर्स और फॉरवर्ड बायस में। मल्टीमीटर को रखेंगे बजर मोड पे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो इसका ग्राउंड है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं। और ये इसकी वीबैट लाइन है और वीबैट में वैल्यू आ रहा है 524 के आसपास। चलिए अब रिवर्स में भी चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1900 के आसपास आ रहा है, मतलब ये भी वैल्यू ठीक है। ओएल आना चाहिए या 1000 के ऊपर आना चाहिए, ये भी सही है। तो मतलब बैटरी कनेक्टर में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब फ्रेंड्स हम चेक करेंगे, सेकेंड हमारा स्टेप होता है चार्जिंग एसी के पास चेक करना। बट चार्जिंग एसी के पास यहाँ पे शील्ड लग के है, तो हम चेक कर सकते हैं पावर एसी के पास। ये देख सकते हैं पावर के बाद यहाँ पे कोई शील्ड या पतरा लग के नहीं है। तो हम ये सारा सेक्शन चेक करेंगे पावर एसी के पास। तो जितने भी कैपेसिटर्स है सारे के सारे चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ नीचे से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, जो जी आर आ रहा है, यहाँ पे मैं मल्टीमीटर रख देता हूँ, ठीक है। तो पावर एसी के पास चेक करते हैं। तो यहाँ पे 419 के आसपास आ रहा है। उसके बाद यहाँ चेक करते हैं 410 के आसपास, यहाँ पे ऑयल आ रहा है और यहाँ पे ग्राउंड, मतलब ये सॉरी 410 के आसपास आ रहा है। यहाँ पे भी 410, ये वीपीएच लाइन हो सकती है। चलिए ऊपर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 307, यहाँ पे भी 370, 340 के आसपास, यहाँ पे भी 435 के आसपास, यहाँ पे 380 के आसपास, और यहाँ पे ग्राउंड आ रहा है। तो इधर अगर ग्राउंड आ रहा है तो इसके दूसरे साइड देखेंगे दूसरे साइड क्या मिल रहा है, क्योंकि एक साइड अगर ग्राउंड होता है तो नेक्स्ट साइड भी हमको देखना होता है। तो मल्टीमीटर को एक बार वापस से ऑन कर लेंगे, स्लिम मोड में चला गया। तो एक साइड तो ग्राउंड आ रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कैप हमको शॉर्ट मिल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर हमको यहाँ पे शॉर्ट मिल गया है, मतलब ये लाइन इसकी शॉर्ट है। अभी तक हमको नहीं मालूम कि ये लाइन कौन सी है, कितने वोल्टेज की लाइन है, बट यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो चलिए और भी चेक कर लेते हैं और कुछ शॉर्ट है क्या इसमें। देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है और यहाँ पे तो कोई शॉर्टिंग नहीं है सीपीयू के पास। अगर ईएमसी के पास चेक करना है तो एक बार ईएमसी के पास इतने सारे कैपेसिटर से चेक कर लेते हैं। ये सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक शॉर्टिंग है कैपेसिटर, ये भी कैप शॉर्ट है। यहाँ पे चेक करते हैं तो ये वाला सही है। तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग मिल रही है ईएमसी के पास, यहाँ पे भी शॉर्टिंग मिल रही है पावर के पास। इसके अलावा और बैक साइड देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये शील्ड वगैरह लगी हुई है। तो एक बार हम जो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी इस ट्रांजिस्टर के पास अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग मिल रही है, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी शॉर्टिंग मिल रही है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग मिल रही है। एक बार डिस्प्ले कनेक्टर के पास चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं, नीचे करके बताना चाहूंगा मैं। ये देख सकते हैं डिस्प्ले कनेक्टर भी, यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर के पास ये एक 0 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग मिल रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें, हमको पावर एसी के पास ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट मिला है। तो वापस से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम ओपन करेंगे और ये वाला कैपेसिटर देखते हैं इसकी सप्लाई क्या है। तो चलिए यहाँ पे डायग्राम के पास आते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है जिसमें यहाँ पे आपको सारी लाइनें मिल जाएगी और एक साइड में इसके लेआउट है। तो लेआउट में हम रेडमी 6A का डायग्राम ओपन कर लिए हैं। तो लेआउट में आना है आपको पावर एसी के पास, इसमें जो पावर लग के है 6357 CRV। थोड़ा जूम कर लेंगे तो हमको जो लाइन शॉर्ट मिली ये वाली लाइन C212139 2139, तो ये लाइन है क्या, आपको यहाँ जाके डायग्राम में ढूंढना है। तो सबसे पहले ये कैपेसिटर को हम सेलेक्ट करते हैं C2139, उसके बाद यहाँ डायग्राम में आएंगे, कंट्रोल V डालेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर जो कि एक पैरेलल कनेक्शन में है, जो कि 4.7 माइक्रो फराड का कैपेसिटर है। और ये लाइन अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं,
VIO वोल्टेज इनपुट आउटपुट की लाइन है और यहाँ पे B17 बॉल के साथ IC के अंदर ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं IC इसकी MT6357 CRV जो कि इसकी पावर IC है, और ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं VIO सेक्शन है इसका, और यहाँ पे देख सकते हैं SLDO1 सेक्शन है। तो यहाँ पे ये जो लाइन का कैपेसिटर है, इसकी लाइन में और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो ये देख सकते हैं VIO 1.8 पावर मैनेजमेंट यूनिट PMU। तो आपको चेक करना क्या है, इस लाइन को चेक करना है कि इसके साथ और क्या कैपेसिटर्स जुड़ के या कोई और IC जुड़ के, क्योंकि ये VIO लाइन है, काफ़ी सारे सेक्शंस में ये लाइन जाती है। अगर आप देखेंगे PCB में, तो यहाँ पे हम देखें ये कैपेसिटर जो हमारा है पावर IC के पास, तो हम एक बार इसका बिटमैप यहाँ पे देख सकते हैं, बिटमैप हमने खोल के रखा है। तो चलिए यहाँ पे पावर IC के पास वापस जाते हैं और वही वाला कैपेसिटर को चेक करते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारा पावर IC, और जो हमारा पहला कैपेसिटर जो है, यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगा लेआउट में, ये देख सकते हैं पहला कैपेसिटर हमारा शॉर्ट था। तो चलिए बिटमैप में यहीं पे चेक करते हैं जो कि पैरेलल में है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक लगाया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे सेक्शंस में ये लाइन जाती है, ये देख सकते हैं PCB के ए साइड और बी साइड में बहुत सारे। अगर मैं ये लाइन बंद कर दूँ, यहाँ से नीचे से ब्लिंक अगर कर दूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देख सकते हैं जितनी भी रेड वाले डॉट्स दिख रही है आपको, सारा कुछ ये एक ही लाइन से है, देख सकते हैं। CPU में ये लाइन जाती है, और यहाँ पे EMMC में भी ये लाइन जाती है, पावर IC से कनेक्टेड है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक IC है फ्लैश लाइट, इसमें भी ये लाइन जाती है। और अगर ऊपर के साइड देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे LDO वगैरह के पास भी जा रही है। चलिए बैक साइड में देखते हैं, तो बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमको ये वाला रेजिस्टर जो है हमको शॉर्ट मिला था, जो कि डिस्प्ले के ही हमारी 1.8 की लाइन है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी शॉर्टिंग आ रही है। तो यहाँ पे भी मैं आपको लाइन क्लिक करके बता देता हूँ, जहाँ जहाँ पे भी ये लाइन जा रही है सब कुछ आपका शॉर्ट ही मिलेगा आपको। तो ये जो लाइन होती है फ्रेंड्स हमारी VIO लाइन होती है, वोल्टेज इनपुट आउटपुट, इस तरह की काफ़ी सारी लाइनें होती है। अगर हम PCB में देखेंगे तो VIO, इसके अलावा आपको VPH, इसके अलावा VBAT, इसके अलावा USB IN, इस तरह की काफ़ी सारे लाइनें होती है, I2C लाइन, SPI लाइन, और इसके अलावा इनेबल सिग्नल होता है, और भी बहुत सारी VDD RAM की लाइन होती है, VCC Q होता है आपका IMMC के लिए, EDL टेस्ट पॉइंट होता है, काफ़ी सारी लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि किस सेक्शन में शॉर्टिंग है, क्योंकि पूरा का पूरा मदरबोर्ड ऐसे में आपको बीप मारेगा, क्योंकि ये एक लाइन जो होती है पावर IC से निकलती है और काफी सारे सेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे इसकी शॉर्टिंग हटाने के लिए हमको दो काम करना है, या तो पावर IC को आपको रिमूव करके चेक करना है कि पावर IC तो आपकी शॉर्ट नहीं है, तो पावर IC शॉर्ट हो सकती है, या तो फिर इतने सारे सेक्शन में से कोई ना कोई एक IC, कोई ना एक कैपेसिटर एक शॉर्ट हो सकता है। तो इसको ढूंढना कैसे है, क्योंकि इतने सारे जगह पे जा रही है। यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहूंगा, फिर से एक बार देख सकते हैं, CPU भी आपका शॉर्ट बता रहा है, पावर IC में भी शॉर्टिंग जा रही है, EMMC में भी शॉर्टिंग जा रही है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे हटा के देखेंगे इस तरह से, तो काफ़ी सारा नेटवर्क के पास भी यहाँ पे ये लाइन जा रही है, काफ़ी सारे सेक्शंस में ये लाइन जा रही है। तो अब इसकी शॉर्टिंग हटाना कैसे हमको, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो VIO लाइन होती है इसको हम बहुत ईजिली रिपेयर कर सकते हैं, बहुत इजीली हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े मदरबोर्ड में सारे IC आप खोल खोल के तो चेक नहीं करेंगे, या फिर अंदाजे से भी आप काम नहीं करेंगे। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, ये तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ। इसमें जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, PhoneFix हैदराबाद को ज्वाइन करेंगे, शॉर्टिंग निकालने के DC से बहुत इजी ट्रिक्स बताएंगे आपको। लो वोटिंग ले रहा है, हाई एम्पियर ले रहा है, शॉर्टिंग है किस सेक्शन में, शॉर्टिंग है कहाँ पे, शॉर्टिंग है कैसे आपको ढूंढना है, बहुत इजी टेक्निक और ट्रिक बताएंगे। देखिए फ्रेंड, यूट्यूब से आप कितना सीख लेंगे, जितना हम बताएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे जो बताया जाता है फ्रेंड्स वो एक परसेंट भी नहीं होता है। हमारे चैनल पे जितना हम लोग बताते हैं पूरे इंडिया में, मैं समझता हूँ इतना डिटेल में किसी भी चैनल पे आपको देखने नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम अब क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा PCB में, EMMC में भी शॉर्टिंग है, पावर में और CPU में भी आपका ये लाइन जा रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम यूज करेंगे रोजन मेथड, और रोजन मेथड में देखने के लिए आपको ये ट्रे भी निकालना होगा, ये ट्रे भी निकालना होगा, उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ EMMC के पास भी शॉर्टिंग आ रही है, तो सबसे पहले हम ये ट्रे भी निकाल लेते हैं हमारी, क्योंकि इसके नीचे भी लाइन जाती है VIO की, और ये ट्रे भी निकालते हैं। दोनों पहले सबसे पहले रिमूव करेंगे, और रिमूव करके
फिर मैं आपको रोजन मेथड से बताऊंगा कि कहां पे ये शॉर्टिंग पीसीबी में है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक ये पतरे लगे होंगे, शील्ड लगे होगी, तो आप शॉर्टिंग इसकी रिमूव नहीं कर सकते, सारा का सारा आपको निकालना ही होगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। तो शील्ड निकाल लेंगे इसकी, तो शील्ड निकालने के लिए यहाँ पे रख लेंगे 360-370 के आसपास, और दो पे रख लेंगे हीट। तो चलिए देख सकते हैं पूरा शील्ड को अच्छे से हीट करेंगे। वीडियो पूरा देखें एंड तक, बिल्कुल स्किप मत करिए। अगर आप भगा कर देखेंगे, स्किप करके देखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। बहुत नरम हाथों से काम करना है। चलिए चलिए, ये पतरा तो मैंने निकाल लिया है, और ये वाला नेटवर्क वाला शील्ड भी निकाल लेते हैं। तो इस साइड से निकालते हैं, तो ये वाली तो ऐसे ही है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाली शील्ड तो ऊपर से कवर था इसके, मैंने निकाल लिया इसको। तो चलिए यहाँ पे भी अभी चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे भी शॉर्टिंग मिल रही है हमको। उसके बाद एक बार ये वाला ऊपर भी है, ये भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी एक ऐसी होती है क्योंकि फ्लैश एल ई डी वगैरह के लिए, तो चलिए वाईफाई की भी हो सकती है। तो यहाँ पे वन साइड मैंने पूरा निकाल दिया है, बट नेटवर्क सेक्शन के पास मैंने रखा है, और यहाँ पे जो ऊपर से दिख रहा है हमको, तो इसका रहने देते हैं। और चलिए बैक साइड में भी देख लेते हैं कुछ। तो बैक साइड में ठीक है, इधर उतना ज़्यादा नहीं है, पावर ही पूरा दिख रहा है। तो अब इसमें करना क्या है फ्रेंड्स, हम इसमें रोजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और रोजन पूरा ए साइड और बी साइड पूरा हम रोजन लगा देंगे, और रोजन लगा कर हम काम करेंगे। तो उससे पहले हम एक बार इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि थिनर आ जाने की वजह से फिर रोजन आपका लगेगा नहीं इसमें। पेस्ट जब तक रहेगा तो रोजन आपका पकड़ेगा नहीं। तो थोड़ा सा इसको एयर मार के साफ कर,
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस्तेमाल करेंगे रोजन मेथड का। और क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जो लाइन है दोनों साइड पूरा आपको शॉर्टिंग बता रही है, तो हम कहीं से भी इसको वोल्टेज दे सकते हैं। तो यहां से लेना थोड़ा सा, क्योंकि सीपीयू, एमएमसी और पावर तीनों में ये लाइन जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि हमको तीनों ही आईसियाँ उठाना है। तो शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हो सकता है कोई एक आईसी शॉर्ट हो, या ये भी हो सकता है कि कोई एक कंपोनेंट शॉर्ट हो जो कि पैरेलल में हो, तो उसको ढूंढना है आपको किस साइड में वो शॉर्टिंग है, कहाँ पर आईसी शॉर्टिंग है या कहाँ पर कोई कंपोनेंट शॉर्ट। तो एक साइड तो हमने पूरा रोजन लगा लिया है जैसा आप देख सकते हैं, अब बी साइड भी लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ऊपर आपको बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं पूरा रोजन हमने लगा लिया है। ये डीसी टू डीसी इसकी आईसी है, ये डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, और यहाँ पे 4G आईसी, और ये इसका आरएफ आईसी 4G और 2G आरएफ, और पावर के साइड भी हमने रोजन लगाया है इसको। तो चलिए अभी हम इसमें ये देख के देखते हैं, वोल्टेज देकर चेक करते हैं। तो ये हमारे पास डीसी टू डीसी एसी है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहूँगा, यहाँ पे आते हैं तो इसकी जो सप्लाई है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे जगहों में जा रही है, तो हम कहीं पे भी एक वोल्टेज को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जो इंजेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, ये बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक कंपोनेंट है, ये देख सकते हैं सीरीज में एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे मैं इंजेक्ट करूँगा, या फिर बैटरी कनेक्टर के यहाँ पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर ये जो कनेक्टर है, कनेक्टर की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर लाइन जो है, ये भी इसकी डिस्प्ले की ही यही वाली 1.8 लाइन है, और यहाँ पे भी आप इंजेक्ट कर सकते हैं। ये जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी हमको शॉर्टिंग मिल रही थी, या फिर आप कहीं पे भी, या पावर आईसी के इस साइड में भी आप इंजेक्ट कर सकते हैं, जो कैपेसिटर हमको शॉर्ट मिला था। तो हमने यहाँ पे रोजन लगाया है, तो मैं चाहूँगा कि यहीं पर चलिए ये वाले रजिस्टर पर हम इंजेक्ट करते हैं वोल्टेज हमारा। तो यहाँ पर वोल्टेज को लगाने के लिए अभी मैं जो वोल्टेज लगाने वाला बैटरी कनेक्टर के जस्ट ऊपर इस वाले रजिस्टर पे हम अभी वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, इस वाले रजिस्टर पे हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे हीटिंग हो रहा है। तो ब्लैक प्रोब लगा लेना है ग्राउंड के साथ यहाँ पे। अब मैं ये प्रोब यहाँ पे इंजेक्ट करूंगा, तो वहां पे आप देखिए इस वाले रजिस्टर पे भी लगा सकते हैं आप। तो चलिए ये जो रजिस्टर दिख रहा है, यहाँ पे हमको वोल्टेज को इंजेक्ट करना है।
तो मैं थोड़ा सा ऐसा रख लेता हूँ तो आपको शायद पूरा दिख रहा होगा। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पे पॉपअप हो गया। एक और बार मैं आपको बताना चाहूंगा, तो ये पूरे पीसीबी में मैंने देख, यहाँ पे देख सकते हैं डीसी टू डीसी के पास कहीं पे भी हीटिंग नहीं हुई, और यहाँ पे डिस्प्ले के पास हमको ये मिल गया। तो एक बार मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा वापस से, वोल्टेज भी मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और एम्पियर भी कम कर लेता हूँ थोड़ा सा, 3 एम्पियर कर लेता हूँ। तो चलिए, क्योंकि 1.8 की लाइन है, तो वापस से आप देखिए मैं इस वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज दूंगा। तो यहाँ पे हमको हीटिंग हुआ इस साइड में, ये वाला हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक डायोड है, एक कैपेसिटर है, तो फिर से वापस से लगा रहा हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे एक कैपेसिटर हमको मिल गया। तो चलिए बोर्ड को क्लीन करते हैं, और क्लीन करके वो कंपोनेंट शॉर्ट है क्या है चेक करते हैं। कंपोनेंट कैपेसिटर भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लाइन तो हमको शॉर्ट मिल गई यहाँ पे, क्योंकि ये जो लाइन है VIO लाइन है, 1.8 की लाइन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जलकर थोड़ा सा खराब लग रहा है ये कैपेसिटर। तो मल्टीमीटर को हम बजर रेंज में डालेंगे, और बजर में डाल के चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा, तो ये लाइन हमको शॉर्ट मिल रही थी, अभी भी शॉर्ट है। ये देख सकते हैं 1.8 की लाइन, और ये कनेक्ट होती है डायरेक्ट इसके साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं भी पा रही है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों साइड भी पा रही है। ये कैपेसिटर है, यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं। इसको हम रिमूव करेंगे भी, और रिमूव करके चेक करते हैं कि ये वाली जो लाइन शॉर्ट आ रही है, देख सकते हैं डिस्प्ले पे भी शॉर्टिंग आ रही है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे आपको शॉर्टिंग मिल रही है। तो चलिए इस वाले कैपेसिटर को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम फ्लक्स लगाएंगे, और फ्लक्स लगा के चेक करते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स मैंने ये कैपेसिटर निकाल लिया है, देख सकते हैं थोड़ा सा जला हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाटर डैमेज की वजह से या किसी और कारण ये खराब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो एक बार पीसीबी में से मैं इसको निकाल लिया हूँ, एक बार इसको चेक करके भी आपको बता दूंगा। ये देख सकते हैं ये शॉर्ट हो चुका है। तो चलिए एक बार पीसीबी को यहाँ पे ठंडा करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं जो लाइन हमारी VIO 1.8 की लाइन जो थी वो शॉर्ट हो चुकी थी। अभी चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारी शॉर्टिंग गई या नहीं गई। तो ये जो हमारा रजिस्टर था ये शॉर्ट आ रहा था यहाँ पे, तो रेड प्रोब ग्राउंड करते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड 360 के आसपास वैल्यू आ गई हमारी, और ये यहाँ से ये नीचे तक ग्राउंड है, ये ऊपर से ये जुड़ के था, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे अगर आप चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं 360, और ये 7 नंबर की जो लाइन है वो इसके साथ जुड़ के है, और इसके साथ भी ये लाइन यहाँ तक जुड़ के होती है, और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 1.8 का वोल्टेज आता है। तो चलिए एक बार डिस्प्ले लगाते हैं, और डिस्प्ले में एक बार मैं फीचर भी बताना चाहूँगा, ये वाला पावर के पास जो कैपेसिटर हमारा शॉर्ट आ रहा था, तो इसको भी मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे शॉर्टिंग गई कि नहीं गई। तो ये देख सकते हैं 360 के आसपास वैल्यू आ रही है। इसके अलावा हमने यहाँ पे इमेंसी के पास भी हमने चेक किया था,
जो कि हमारी शॉटिंग जा चुकी है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं शॉटिंग हमारी जा चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क सेक्शन के पास, यहाँ पे भी हमको शॉटिंग आ रही थी, तो ये भी हमारी शॉटिंग जा चुकी है। इसके अलावा ये जो रजिस्टर पे हमने वोल्टेज दिया था, इंजेक्ट किया, यहाँ पे भी बताना चाहूँगा, ये देख सकते हैं 360 के आसपास वैल्यू आ रही है, तो हमारी जो शॉटिंग है वो जा चुकी है। एक बार डिस्प्ले लगाते हैं और ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें तो हमको एक कैपेसिटर शॉर्ट मिला है, और भी प्रॉब्लम हो सकती है कहीं और से भी, किसी और आईसी में भी शॉर्टिंग हो सकती है। एक कैपेसिटर तो मिल गया हमको जिसको हमने रिमूव कर दिया है, बट कभी कभार क्या होता है कंपोनेंट भी शॉर्ट हो जाते हैं और आईसियां भी शॉर्ट हो जाती है, तो आपको देखना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपेसिटर से ही मोबाइल बनता है, लेकिन एक मोबाइल कैपेसिटर से डेड जरूर हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक बार ऑन करके चेक करते हैं। पीसीबी जितना छेड़ा हुआ होता है उतना काम उसमें बढ़ जाता है, तो यहाँ पे मैं एक बार ऑन करके बताना चाहूंगा आपको। डीसी मशीन में देखिए आप, मैं यहाँ से इसका पावर की जो है, यहाँ पे नीचे वाला पावर की है इसका, यहाँ पे डीसी में आप देख सकते हैं वैल्यू जो एम्पियर है हमारा ले रहा है, और थोड़ा इंच हिल गया है, एक बार अच्छे से लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा हैंडसेट अभी बूटिंग ले रहा है और ऑन हो रहा है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा लाइट का अभी भी इशू लग रहा है, तो एक बार डिस्प्ले को अच्छे से पकड़ लेते हैं। एक बार मैं डिस्प्ले साफ़ करके लगाना चाहूँगा। कभी कभार क्या होता है कि फ्लक्स वगैरह आने की वजह से डिस्प्ले नहीं आता है। डिस्प्ले आपका अच्छा होना चाहिए, साफ करके लगाएंगे। डिस्प्ले का पत्ता एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार डिस्प्ले वापस से लगा के चेक करते हैं। चूंकि इसका ठीक है, एक बार फिर से ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हैंडसेट हमारा ऑन हो रहा है और लाइट भी आ चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ों में ही आपका सलूशन होता है। आप अगर को छोटी छोटी चीज़ों का अगर आपको नॉलेज होगा तो आप हैंडसेट रिपेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरी तरह से अभी ये ऑन हो रहा है, और हमने इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। हालांकि ये अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप CPU MMC सब खोल देंगे इसमें। मेरा वायर थोड़ा सा हिल गया वापस से पीछे से, ये देख सकते हैं अब ये खुल जाएगा, क्योंकि लूज कांटेक्ट होने की वजह से ये रिस्टार्ट होगा ऐसे। और अच्छे से अगर आपको सीखना है फोन फिक्स हैदराबाद ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच December 27 से है हमारा, उसमें भी आप आ सकते हैं। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, एंड्रॉयड यहाँ पे लिखकर आ चुका है, और इसमें अभी ये पूरी तरह से खुल जाएगा। तो ये अभी स्टूडेंट्स हमारे लेकर आए हैं, साथ में उनके सेट्स होते हैं, हम लेकर उनके रिपेयर करते हैं, और बच्चे बहुत सारे सेट्स अपने साथ लाते हैं, लाइव क्लास में रिपेयर करते हैं। तो ये एक सोल्यूशन है फोनफिक्स हैदराबाद के स्टूडेंट्स के लिए, लो बूटिंग का हैंडसेट को कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की है। और थोड़ा सा टाइम लेगा ये ऑन होने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद है और बैटरी भी पूरी इसकी ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं DC से ऑन करके आपको बता रहा हूँ।
थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, एक अच्छी नॉलेज चाहिए हैंड स्किल और सर्किट की। जैसे हमने पतरा उतारा, शील्ड उतारे इसमें से और कंपोनेंट को रिमूव किया, तो हैंडसेट आपका डेड नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा हैंड स्किल आपका होगा तो आप अच्छे से उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगाइए, मैं थोड़ा ऐसा पकड़ लेता हूँ, मेरा हाथ दर्द। अरे तो पूरा खुल गया मेरा हाथ दर्द हो रहा है, इसमें पकड़ पकड़िए। तो जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मैंने स्किप करने की कोशिश नहीं की है। जो भी कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत होता है ऐसा जब आप काम करते हो तो पीछे से आपका बैटरी का जो केबल है वो हिल जाता है, या कभी बैटरी जो है इस तरह की पूरी फूली हुई ख़राब बैटरी आती है आपके पास, ख़त्म है बैटरी, कुछ एम्पियर वगैरह नहीं लेगा, ये ऑन ही नहीं होगा इससे सेट आपका, ना बैटरी चार्ज होगी ऐसे कंडीशन में, या रिमूवेबल बैटरी होती है बच्चे निकालने के टाइम पर ख़राब कर देते हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। तो जैसे आपने देखा, हमने डायग्राम के थ्रू, स्केमेटिक के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। इससे भी बहुत डीपली लेवल पे लो वोल्टिंग में क्या करना है, पावर आईसी के आउटपुट्स कैसे चेक करनी है, एलडीओ लाइंस क्या होती है, बक लाइंस क्या होती है, सीपीयू कैसे वर्क करता है, सीपीयू को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पावर आईसी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डीसी टू डीसी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक हैंडसेट को ऑन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सारी चीज़ हम क्लास में आपको बताते हैं। कंपोनेंट्स कैसे चेक करना है, एक एक छोटा छोटा कंपोनेंट्स भी एक हैंडसेट को बंद कर सकता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ हम क्लास में सिखाते हैं बच्चों को कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल्स कैसे चेक करना है, बूस्ट सर्किट क्या होता है, बक सर्किट क्या होता है, और पुल अप सर्किट क्या होता है, पुल डाउन रजिस्टर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है सारी चीज़ क्लास के अंदर। आई टू सी हो गया, एस पी आई हो गया, इनेबल सिग्नल हो गया, या बिटमैप से कैसे यूज़ करना है, और स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे डीपली लेवल पे समझना है, क्या आईसी के सप्लाई या इनपुट होती है, क्या आउटपुट होती है, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इनको लाइव क्लास में बताया जाता है, ताकि बच्चों के साथ हैंड स्किल का काम और सर्किट की नॉलेज दोनों इनको देते हैं, तब जाकर वो अच्छे लेवल पर काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऑन हो रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लेगा। हमारा जो काम होता है फ्रेंड्स, वो पेशेंस के साथ काम करना होता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप इसको सॉफ्टवेयर करेंगे या फिर कुछ और काम करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वेट करना है आपको, पेशेंस रखना है, अच्छी उम्मीद रखना है और कोशिश करना है। कोशिश करने से ही आपको सक्सेस मिलती है, लगातार प्रयास करना है और थोड़ा सा सब्र करना है, तब जाके ही आपका हैंडसेट रिपेयर होगा। अगर आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल पूरी तरह से ऑन हो चुका है, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब दिख रही है आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो नॉलेज दी जा रही है यूट्यूब पर, ये काफ़ी डीपली नॉलेज होती है, लेकिन इसको समझ में तभी आता है जब आप एक टीचर के साथ एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। काफी सारे इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट है, बट आपको ये समझ में नहीं आता है कि जाना कहाँ पे, क्योंकि सभी अपने आप को अच्छा बोलते हैं, क्योंकि हर दही बेचने वाला अपना ही दही मीठा बोलता है। तो फ्रेंड हमारे पास, आप यूट्यूब के नीचे जाकर स्क्रॉल करके देखिए वीडियोस को, यहाँ पे आपको एक चीज सबसे यूनिक दिखेगी, वो है टीचर स्टूडेंट को अपनी सीट पे बिठाकर काम कराते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बच्चा आकर के अपने हाथ से डायग्राम की जो लाइनें होती हैं वो ढूंढ के बताता है, चेक करके बताता है, फिर नोट्स बनाते हैं यहाँ पे बच्चे, तब जाकर उनका एक हैंड स्किल बनता है, उनकी एक अच्छी नॉलेज बनती है। दोस्तों 20 दिन यहाँ पे 10 घंटा उनको लाइव क्लास होती है, तब जाकर वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। दोस्तों एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करना होता है, बच्चों के पास से हैंडसेट लेकर के आपको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो बच्चे सेट्स लेकर आते हैं उन्हीं पे हम आपको रिसर्च करके रिपेयर करके बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें काफी सारी मेहनत लगती है, एडिटिंग की मेहनत लगती है, वीडियो लेना होता है, वीडियो बनाना होता है, उसको फिर बहुत सारे काम होते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जैसे आप जानते हैं फोनफिक्स हैदराबाद का चैनल बंद हो चुका है, तो ये न्यू फोनफिक्स हैदराबाद का चैनल है, बेल आइकन दबाएंगे तो ही ऐसे वीडियोस आपको दिखते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। हमारे साथ जुड़ जाइए, अगर आपको अच्छे से सीखना है फ्री आप यूट्यूब पर देख देख कर सीख सकते हैं, अच्छे से सीखना है ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आना है तो आ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स,
नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे दें हमारी टीम के लिए, ऐसे ही आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर देना, नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट दे देना, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपके कमेंट्स का ही इंतजार करते हैं, कि आप लोगों का कमेंट ही हमको मोटिवेट करता है कि एक नए नए सॉल्यूशंस आपको देते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में।